नमस्कार, बहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पड़ियाल। देर रात एक रामबन से दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन रामबन जिले के मगरकोट और खूनी इलाके में लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि देर रात खूनी नाले में एक टनल जो है वो बैठ गया है, जिसपे लगभग 11 लोग जो है उस टनल में फंस गए थे, लेकिन 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार रेस्क्यू टीम जो है देर रात से वहाँ लगी हुई है। आपको एक हाईवे दिखाना चाहूँगा, ये वही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है। इसी हाईवे पे एक टनल्स वहाँ बन रहा था, 4 लेनिंग का काम रामबन जिले के खूनी नाला में लगातार चल रहा था। आपको बता दें कि उसी खूनी नाले में एक टनल बनाया जाना था, 4 लेनिंग टनल। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ही 4 लेनिंग्स के ही टनल जो है वो बनाए जा रहे हैं 4 लेनिंग पे, और इसी प्रकार का एक टनल वहाँ पे बनाया जा रहा था, जिसके चलते जो है देर रात वहाँ वो टनल जो है, टनल का मलबा जो है एकदम से नीचे बैठ गया, जिसमें करीब 11 से 12 लोग उस टनल में फंस गए थे। लेकिन 2 लोगों को अभी तक, जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है, 2 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया था। कुछ देर पहले ही हमने अपने चैनल पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, ग्राउंड पे किस तरह के हालात हैं, रात के विजुअल भी हमने आपको दिखाए थे कि किस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से मलबा जो है वो हटाया जा रहा है, मशीनरीज वहाँ पे है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और आर्मी के लोग भी वहाँ देखे गए हैं और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं जो लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को उस मलबे से निकाला जाए। एक हाईवे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये वही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे है, हाईवे है, और इसी हाईवे पे रामसू से थोड़ा आगे जाके अपना खूनी नाला इलाका पड़ता है, और खूनी नाले में ये हादसा, रामबन जिले के खूनी नाला में ये हादसा पेश आया। और रामबन और बनिहाल के बीच में मगरकोट और खूनी नाला पड़ता है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार काम कर रही हैं, वहीं कोशिश यही है कि पूरा जिला प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचा हुआ है, SDRF के लोग वहाँ पहुँचे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, CRPF के लोग और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं कि ये जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जल्द ही उन लोगों को मलबे से निकाला जाए। और लगातार काम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और मशीनरीज लगातार काम कर रही हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, ग्राउंड जीरो के जो विजुअल हमने कुछ देर पहले आपको दिखाए थे, और अब ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि इसी हाईवे पे रामबन ज़िले के मगरकोट और खूनी नाला इलाके में ये टनल जो है वो बनाया जा रहा था। रात के समय, देर रात समय ये टनल का जो मलबा, T3 टनल बताया जा रहा है, टनल का जो मलबा जो है एकदम से नीचे आ गया, जिसमें 10 से 11 लोग जो हैं वो दब गए थे। 2 लोगों को रेस्क्यू किया है, 8 से 9 लोग अभी भी इस मलबे में जो है फंसे हुए हैं। मशीनरी लगातार काम कर रही है, कोशिश हम करेंगे फिर से ग्राउंड जीरो पे जाने की, और ग्राउंड जीरो पे क्या सूरत हाल है वो भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहें बाहू एक्सेस न्यूज़। नमस्कार।